हेलो गाइस, क्या लगता है आपको कौन जाएगा इस वीक बाहर? एलिमिनेशन किसका होगा? अफसाना खान का होगा, ईशान सहगल का होगा, किसका होगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि ईशान सहगल का एलिमिनेशन होगा क्योंकि वोटिंग ट्रेंड एज़ पर वोटिंग ट्रेंड ईशान सहगल को कम वोट मिल रहे हैं, सबसे कम। और एंड में तो ऐसा हुआ कि आकाशा लास्ट सेकेंड लास्ट आई है, अफसाना को थोड़ा ज़्यादा वोट आ गए। अब आपको क्या लगता है, ईशान सहगल जाएगा बाहर? या जिस तरह से सलमान खान, हमने प्रोमो देखा, सलमान खान जिस तरह से डांट और फटकार लगा रहा अफसाना खान को, और अफसाना खान को ये भी कहा कि अगर मैं होता ये शो में तो मैं तुमको बाहर कर देता, तो क्या अफसाना खान बाहर जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बार जो खबर आई है कि ये हफ्ता कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है, कोई भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि बिग बॉस को सभी चाहिए। जिसका कम वोट है ईशान सहगल, वो एक लौता लव एंगल जो दिखा रहा है, तो वो बिग बॉस कभी नहीं खोना चाहेगा, तो वो बाहर नहीं जाएगा। और रही बात आकाशा, आकाशा भी बाहर नहीं जाएगी, तो उसका एक चांसेस है प्रतीक के साथ जुड़ने का। अगर हाँ, आने वाला हफ्ता में अगर आकाशा ने अपना प्रतीक के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं जोड़ पाया, तो आकाशा बाहर जाने का ज़्यादा चांसेस बन सकता है। और तीसरा जो है अफसाना खान, अफसाना खान का चांस हो सकता था, बट ऐसा नहीं लगता कि उसको एलिमिनेट करेगा, क्योंकि बिग बॉस का ज़्यादा कंटेंट वहीं से ही आने वाला है। क्योंकि बिग बॉस को एक ऐसा इरिटेटिंग कंटेस्टेंट चाहिए होता है हमेशा, कोई भी सीजन उठा लो, पारस छाबरा, डॉली बिंद्रा और सुरभि राणा, बस इनको एक ऐसा एक कंटेस्टेंट चाहिए जो बार बार इरिटेट करता रहे और कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें करते रहे ताकि सामने से कोई और कंटेंट आते रहे। जब बिग बॉस के पास कोई कंटेंट नहीं रहेगा, तो ये ऐसे लोग ही है जो कंटेंट देने वाले हैं। बिग बॉस को अच्छी तरह से पता है, तो अफसाना खान को इतना जल्दी तो बाहर नहीं निकालेगा। अफसाना खान का टाइम आएगा अगर जब अफसाना खान ठंडी हो जाएगी। अगर एक बार अफसाना खान ठंडी हो जाएगी, तो अफसाना खान का वो दिन, वो हफ्ता लास्ट मीन्स वो हफ्ता छोड़ के एक और हफ्ता वेट करके उसके बाद बाहर हो जाएगी, वो भी तो भी ज़्यादा उसके बाद नहीं दिखेगी वो, इतना तो श्योर है। अफसाना खान तब तक रहेगी जब तक ऐसे बकवास कंटेंट देती रहेगी, बकवास के फाइटिंग करती रहेगी, कोई भी मतलब जितना वो बॉडी शेमिंग जो गलत गलत बोलती है जितना वो करेगी तब तक वो अंदर रहेगी। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि अफसाना खान हाथ नहीं उठाना चाहिए, जैसे कि हमने देखा कल के एपिसोड में, जो लातों पे लात मार रही थी अफसाना खान आकाशा को हो या फिर विधि को हो, तो जिस तरह से लात मार रही थी वो एंगल से, तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अफसाना खान को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि बिग बॉस का कोई गारंटी नहीं है कब किसको रखते हैं, कब किसको निकालते हैं, उसका कोई आता पता नहीं रहता है। इसका गारंटी तो मैं भी नहीं लेता हूँ, ना ही कोई लेगा उसका गारंटी बिग बॉस का। बिग बॉस अभी जो चलता है वोटिंग के हिसाब से कम चलता है, अपने हिसाब से ज़्यादा चलता है। और बिग बॉस भले बोलते हैं कि वोटिंग कीजिए, वोट कीजिए, वोट कीजिएगा, लेकिन बिग बॉस हमेशा देखता है कि कंटेंट कौन देता है और वोटिंग किसको आता है, वो हिसाब से ही रखते हैं कंटेस्टेंट को। चलो, तो ये भी कोई भी बाहर नहीं जाने वाला है। और ये सुनने में आया कि फराह खान एलिमिनेशन करने वाली है, सलमान खान नहीं करेंगे। अभी एक खबर है, कोई कंफर्म नहीं है, अगर ऐसा होगा तो आपको, आप लोगों को बताया जाएगा। और आपको तो वैसे भी आज के प्रोमो में दिख जाएगा फराह खान, अगर आज दिख जाएगी तो मतलब फराह खान वहाँ पर आएगी, बट ऐसा एलिमिनेशन कोई नहीं होगा। एक और अगर एलिमिनेशन अगर गलती से हो भी जाता है, अगर लोगों का कोई प्लानिंग भी रहेगा, ये वीक तो नहीं हो रहा एलिमिनेशन, अगर आने वाले वीक में भी अगर कंडीशंस, क्योंकि सब कंडीशन मजबूत है, आने वाले वीक में भी अगर कुछ ऐसा चीज़ें होंगे जहाँ पे बड़े बड़े कंडीशन लोग नॉमिनेशन लिस्ट में आ जाएंगे, तो वहाँ पे बिग बॉस नॉमिनेशन जब रखा जाएगा, अगर कोई बड़ा अच्छा खिलाड़ी का वोटिंग कम आता होगा, तो इतना गारंटी मैं अभी से देता हूँ कि उसे एलिमिनेट नहीं करेगा, उसे ज़रूर एक जो उनका सीक्रेट रूम है वहाँ पर भेजा जाएगा। तो इस बार सीक्रेट रूम आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है, ये मुझे ऐसा लगता है। अभी सीक्रेट रूम आपको जल्दी आने वाले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते में जल्दी आ जाएगा, नहीं तो पहले वाले सीक्रेट रूम थोड़ा थोड़ा
6 हफ्ता 7 हफ्ता होने के बाद दिखाई देता था, लेकिन इस बार जल्दी दिखेगा आपको, क्योंकि बस सब सब बड़े बड़े कंटेस्टेंट्स हैं, कोई भी किसको भी जल्दी बाहर निकालने को बिग बॉस नहीं देखेगा, सीक्रेट रूम का इस्तेमाल ज़रूर करेगी। यही था आज का न्यूज़। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।